हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हम ट्रैक्टर पे सवार होके करछम आए थे डैम के पास। तो हम अभी इधर भाई लोगों के पास, हमने खाना खुना खाया। ये हमारे भाई का रूम है, हमारे भाई है। अब हम जा रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं इनका रूम। तो मिलते हैं दोस्तों। अभी एक आते भी आ रहे थे, अपने बड़े भाई नेसंग से आ रहे थे, वो मिलेंगे हम अगर रास्ते में। चलो मिलते हैं बाकी भाई लोगों के। ऐसे ऐसे रूम है इधर, भाई को भी हम साथ लेके जा रहे हैं, अपने रवि भाई को। देख सकते हैं आप सभी। तो चले हम अभी आगे की तरफ। हवा भी काफ़ी तेज चल रही है दोस्तों, आप लोग को सुनाई पे सुनने का भी हवा कर दोस्तों। आप लोग अगर करछम घूमने आ रहे हैं तो अगर सांगला जा रहे हैं तो ये हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा है दोस्तों। देख सकते हैं ये इधर आप अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर जिस भी टाइम पे आएंगे वो करके चले जाना। ये सामने से सांगला छितकुल का रोड जा रहा है। चले हैं दोस्तों कंटिन्यू। हम अभी हमारा सफ़र काफ़ी थोड़ा ही रह गया है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना हमें। देख सकते हैं काफी टूरिस्ट जाते हैं इस पे छितकुल, फॉरनर्स, यूके नंबर गाड़ी। देख सकते हैं आप दोस्तों, ये डैम करछम डैम। अभी हमने अपने बड़े भाई को भी फोन किया था, उनसे पूछा हमने कहाँ पहुँचे। वो भी यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ता है रल्ली। अभी भाई उधर पहुँचे हैं रल्ली के आसपास, आएंगे तभी आप उनसे मिलाएंगे। तब तक बने रहिए दोस्तों इसी तरह। ये है ब्रिज, करछम ब्रिज है ये। और ये सामने डैम का व्यू। और ये सामने से जो रोड जा रहा है, ये रोड अपना काजा साइड को चले जाता है, काजा रिकोंगपियो कल्पा। काफी ही शानदार ब्रिज। भाई हमारे भी साथ चले हैं, काफी तेज हवा डैम पे। देख सकते हैं आप झंडे भी उड़ रहे हैं, ये यहाँ का ट्रेडिशनल फ्लैग है। काफ़ी देर पैदल चलने के बाद दोस्तों पहुँचे हैं हम इसी मेन रोड पे, अपने बड़े भाई इसी मेन रोड पे आएंगे। अब उनसे मिलाते हैं हम आपको। ये आ रहे हैं अपने बड़े भाई सामने से, यही है देख सकते हैं अपने बड़े भाई। काफ़ी साउंड कंपनी में यार ये हमारे आते हैं, देख सकते हैं आप। हेलो हेलो, हम इन्हीं का ही वेट कर रहे थे काफी टाइम से। ये हमारे आते के ड्राइवर। वापिस दोस्तों हम उसी एरिया की ओर जा रहे हैं जिस एरिया के हमने पहले आपको दिखाया था। ये सामने अपना टिप्पर खड़ा हुआ है दोस्तों। बस चले हम अब आगे की ओर अपने ग्राउंड पे। ये दोस्तों जो आते के घर के लिए रास्ता जाता है दोस्तों, इसमें भी काफ़ी जाम लगता है। देख सकते हैं गाड़ी वाले आगे पीछे, इससे तो सिंगल रोड है दोस्तों, यहाँ से भी बड़ी गाड़ियाँ निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पहुँच गए दोस्तों हम इस ग्राउंड पे। ये आते की गाड़ी देख सकते हैं आप, ये आते बैठे हैं अंदर। और ये मशीनरियाँ लगी हुई है इधर, आते का छोटा सा ढाबा भी परे है देख सकते हैं। चलो फिर दोस्तों अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। बाय बाय। ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय। दोस्तों डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटा भी दबा दो। भाई बोल रहे हैं घंटा भी दबा दो भाई लोग।